हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल रेसिपी जूम में। तो आज हम लेकर आए हैं टी टाइम स्नैक्स, केले से बनी हुई पूरी। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें हम अब ऐड करेंगे एक कटोरी चीनी, अब इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, ये एक छोटा चम्मच सौंफ ली है मैंने, इसके साथ ये चार हरी इलायची मैंने छील कर ली थी वो इसमें ऐड करूँगी मैं, और इसे हम पीस लेते हैं। इसे पीसने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं ये केले के कुछ पीस जो हमने बारीक कट करके लिए थे, ये दो केले के पीस हैं जो इसमें मैं ऐड करूँगी, और इसे फिर से हम एक बार पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने एक फाइन पेस्ट पीस ली है इसकी। अब ये एक बाउल में हमने निकाल ली है और उसमें एक कटोरी हमने गेहूं का आटा, ये छाना हुआ गेहूं का आटा है वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये जो केले का पहले जो हमने बैटर बनाया था मिक्सर में पीस के, उसमें जितना भी आटा मिक्स हो जाए उतना हम ऐड करते जाएंगे। इसमें और आटे की ज़रूरत लग रही है इसीलिए मैं और आधी कटोरी आटा इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसे एक बार और अच्छे से मैं गूंथ लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका एक अच्छा सॉफ्ट डो हमें गूंदना है। ये देखिए अच्छे से गूंद के हो चुका है। ये पूरा आटा गूंदने के लिए मुझे 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लगा है। अब इसमें 1 चम्मच हम ये तेल डालेंगे और एक बार इसे अच्छे से हम गूंद लेते हैं। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारा जो ये आटा है ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी पूरियां बेल लेते हैं। सबसे पहले हम इस आटे की 2 लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे अब सूखे आटे में हम कोट कर लेंगे और इसे हम बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बड़ी रोटी इसकी बेल ली है। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हो। मैं इस पूरी को गोल शेप में कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरी कट कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी पूरियाँ कट कर ली है। एक मैं आपको इसमें से निकाल के बताती हूँ। ये देखिए ये जो पूरी है ये इतनी मोटी होनी चाहिए, इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अगर आप इसे पतला बेलते हो तो वो कड़क हो जाएगी, इसलिए इसे मोटा ही रखना है। मैंने ये सारी पूरियाँ बेल कर ली है। तो चलो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम ये पूरी डीप फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। और 1 चम्मच की हेल्प से इसे हम प्रेस करते जाएंगे जिससे ये अच्छे से फूल जाएंगी। ये देखिए इस तरह से इसे हल्के से हमें प्रेस करना है। वाओ देखो ये कितने अच्छे से फूल गई है। इसे हम पलट लेते हैं। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक के अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसे और एक बार हम पलट के देखते हैं। ये रेडी हो चुकी है। चलो इसे अब निकाल लेते हैं। तो इसे सर्विंग प्लेट में हमने ये निकाल लिया है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा टी टाइम स्नैक्स? बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये मीठा जो है। तो आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी? प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा
अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल रेसिपी जोन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।